अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रिज़ल्ट आते जा रहे हैं। एएमयू के एलएलएम का भी रिज़ल्ट आ चुका है आज। दोस्तों एएमयू रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ी से निकाल रहा है, वैसे बच्चे इस मामले में तो बड़े खुश होंगे एएमयू से। आज भी दो रिज़ल्ट आ चुके हैं, एमसीए के इससे पहले मैंने बताया था, अब एलएलएम का भी आ चुका है। दोस्तों आज ही लिस्ट, दोस्तों ये बच्चे हैं जिनका हो चुका है, सेलेक्टेड लिस्ट हैं, आप देख लें, 3 और 4 7 28 स्टूडेंट के दोस्तों 4 लाइन्स हैं और 28 स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया है। ये लिस्ट है जनरल, सारे बच्चे इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, अब इनको उसका फल मिल चुका है। दोस्तों अब बात करेंगे आगे आप चांस मेमो वाली लिस्ट की। तो ये है चांस मेमो लिस्ट 28 स्टूडेंट के लिए, लगभग 60 के अराउंड तो यहाँ पर वेटिंग शायद निकल गई होगी, आप देखते जाएँ शायद 50 तक वेटिंग निकलेगी मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए 50 तो हमें ये दिख गया, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पर 28 सीट 50 वेटिंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग यहाँ क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बहुत लकी होंगे, जिनकी वेटिंग अगर 10 के ऊपर भी हो जाए क्लियर, तो बहुत ही लकी होंगे वो। दोस्तों यही हो सकता है कुछ लॉ वाले शायद एमबीए चले जाएँ, शायद खाली सीट हो जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर सीट्स खाली हों। दोस्तों अब मैं दिखाऊँगा आपको स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट। दोस्तों स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 4 पेज इसके अंदर है। डॉलर का मतलब है सिलेक्टेड, हैश का मतलब है वेटिंग, सी का मतलब है एलुमनाई का बच्चा, सी का मतलब है एम्प्लॉय का बच्चा, कर्मचारी का बच्चा। दोस्तों उसके बाद बीसी का मतलब बैकवर्ड कैटेगरी, डीएस का मतलब डिस्टेंट स्टेट। तो ये दोस्तों सारी कैटेगरीज़ हैं, लिस्ट सारी आप देख लें। हैश का मतलब है वेटिंग, डॉलर का मतलब है सिलेक्टेड, जिनका सिलेक्ट होगा उनके आगे ब्लैक हो रहा होगा, देखिए अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, और जिनके लिए नॉर्मल आ रहा है वो सिलेक्टेड नहीं है, कहीं भी ऐसे उन्होंने यहाँ दिया नहीं है। वैसे डॉलर जिस सिलेक्टेड थे वो कहीं कहीं जो है आप देखा होगा ब्लैक उसको किया हुआ है। दोस्तों ये 2 पेजेस और रह गए हैं, इसको और देख लें। इसका रिज़ल्ट दोस्तों आज ही आया है वैसे, लेकिन ये शायद आपको जो दिखा रहा है मैंने बना हुआ तो 21 को दिखा रहा है, लेकिन आया नहीं था 21 को। दोस्तों ये हो चुका पीएच का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड। दोस्तों ये आ गया आपका लास्ट पेज। दोस्तों ये था आपको 2023 का एलएलएम का रिज़ल्ट। इस वीडियो में इतने सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।